बड़े भाई तेज प्रताप यादव की शादी के बाद अब छोटे भाई तेजस्वी यादव का नंबर आ गया है। खबर आ रही है कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए 2019 लोकसभा चुनाव राजनीतिक करियर के अलावा निजी जिंदगी में एक अलग मोड़ लेने जा रहा है। दरअसल इस लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि वे शादी तभी करेंगे जब उनकी पार्टी RJD चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। तेजस्वी ने अपनी शादी की खबरों पर स्पष्ट कर दिया है कि वे 2019 के चुनाव मिशन के बाद शादी करेंगे। तेजस्वी ने कहा है कि उनके ऊपर शादी के लिए पारिवारिक दबाव बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद शादी पर फैसला लिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि उनके लिए बिहार के अलावा अन्य दूसरे राज्यों से भी शादी के कई प्रस्ताव आए हैं। तेजस्वी चुनाव से पहले दिसंबर में पटना के गांधी मैदान में महारैली करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें महागठबंधन में शामिल तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में RJD अच्छा प्रदर्शन कर पाती है या नहीं। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।